भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। कोविड 19 संक्रमण काल में अपने घर वापस आए प्रवासियों से मिलने के लिए जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे आज 3 किलोमीटर पैदल चलकर विकासखंड कलजी खाल के चोंडली गांव पहुंचे और जिलाधिकारी के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। उनमें खुशी की लहर देखने को मिली। गाँव में पहुँचने से पूर्व जिलाधिकारी डॉक्टर जोगदंडे ने थानेश्वर महादेव में जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। चोंडली गांव में हम लोग आए हैं। आज ग्राम सभा तुनेल का हिस्सा है। यहाँ पे हम लोगों ने जो है परिवार से बात भी किया है। परिवार तीनों भाई हैं और तीनों भाई आज ग्राम पंचायत में वापस आ गए हैं। उनका अन्य परिवार दिल्ली में निवासरत है और इनकी भविष्य में गांव में ही बसने की मंशा है। उसको देखते हुए जो भी स्वरोजगार की गतिविधियाँ हम लोग गाँव में संचालित करते हैं उसकी मदद किया जाएगा। साथ साथ में सिंचाई की गुल जो यहाँ पे एक खेत कृषि कार्य का साधन था वो भी वर्तमान में बाधित हो रखा है, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। साथ साथ में ग्राम पंचायत के माध्यम से और भी शिकायतें या सुझाव समस्याओं की जानकारी प्राप्त हुआ है। प्रमुखता से ग्राम पंचायत भवन ग्राम पंचायत में नहीं होना, उसके लिए भी हम प्रस्ताव बना के शीघ्रता से कार्रवाई करेंगे। स्वरोजगार के लिए भी हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग का आयोजन करेंगे जिसमें कि स्वरोजगार गतिविधियों की जानकारी जो युवक बेरोजगार है उनको दिया जाएगा। कृषि विभाग और उद्यान विभाग के माध्यम से हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने की कार्रवाई करेंगे। अभी ग्राम सभा के जो प्रधान जी उन्होंने अवगत कराया कि यहाँ पे घेरबाड़ की जरूरत महसूस हो रहा है, सिंचाई गुल का जरूरत महसूस हो रहा है। साथ साथ में जो युवक बेरोजगार है उनको स्वरोजगार से जोड़ने की ट्रेनिंग भी एक आवश्यक रहेगी। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने परिवार से बात किया है। सभी ग्राम पंचायत के जो अन्य निवासी हैं जो आसपास के गाँव के भी हैं उनसे भी आज बात किया है। सड़क मार्ग को लेकर भी एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे जनता के द्वारा बताया गया है, तो उसको भी हम शीघ्रता से पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं।